देखो, जिन्होंने लास्ट लेक्चर खास तौर पे नहीं देखा तो उनको 12.2 समझ नहीं आएगी। तो शुरू के आधे घंटे जो भी 12.2 चलेगा आपके ऊपर से जाएगा। अगर किसी ने लास्ट लेक्चर देखा हुआ है तो उसको लगता है 70-80% समझ आ जाएगा। 100% आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टॉपिक ही काफी मुश्किल है, लेकिन जिसने देखा हुआ है उसको हल्का फुल्का आएगा, वरना बाकी को तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। तो आप लोग देख लो, अब आप लोग ने अगर देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ तो। अच्छा, 12.2 में मेन दो ही क्वेश्चन है, तीसरा मतलब 7 और 8, ये दो क्वेश्चन है जिनके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 तो बड़ा इजी है, वो तो ए प्लस अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्मूले से आसानी से कर सकते हो, तो वो तो आपके लिए बच्चों वाली चीज है। असल है क्वेश्चन नंबर 7, 8, ये बच्चों को मसला करेंगे। तो मैं आप लोगों को 7, 8 के एक दो पार्ट करवा देता हूँ, ज्यादा फोकस हमारा 8 पे होगा। 7 में क्या लिखा हुआ है, गेस एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस विदाउट यूजिंग टेबल ऑफ वैल्यूज। देखो, जो पहला क्वेश्चन है ना जिसमें आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो, तो उसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ता है। उस टेबल में आप कुछ एंगल्स लेट करते हो, फॉर एग्जाम्पल 30, 60, 90 टाइप के एंगल्स लेट करते हो, फिर वो फंक्शन के अंदर पुट करते हो, वैल्यूज आ रही होती हैं। तो ये पूरा टेबल ऑफ वैल्यूज इसको हम कहते हैं, मतलब एक टेबल है जिसके अंदर आपने पूरी वैल्यूज निकाली भी होती है। इन वैल्यूज को जाके आप फिर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देते हो। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपने करना है, जो कि फिलहाल हम नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला हुआ है कि आपको वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यूज निकाले बगैर ग्राफ ड्रॉ करो। जब वैल्यूज आप नहीं निकालोगे ना और डायरेक्ट ड्रॉ करोगे, तो जाहिर सी बात है ग्राफ एक्यूरेट तो नहीं आएगा। एक्यूरेट तो उसी वक्त आएगा ना जब एक्चुअली आप पॉइंट निकालोगे, उनको ज्वाइन करोगे तो कर पाएगा। तो आपसे किसी ने मांगा भी नहीं है और ना ये सवाल ग्राफ पेपर पे आएगा। ये अगर आया सवाल उन्होंने दिया तो ये वैसे आपको अपनी जो आंसर शीट है ना उसी पे करना होगा। क्या आपको बस जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हुए ना उनको जहन में ला के इन सवाल को ड्रॉ करना है, जो भी फंक्शन है। आपको वैल्यूज निकालने की या टेबल बनाने की या ग्राफ पेपर की कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। ये सवाल मैंने ऑलरेडी कल करवा चुका हूँ। मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल कोई, सबसे पहले हम बच्चों वाला पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1, पार्ट 4 में ले लेता हूँ क्योंकि पार्ट 1 तो बहुत बेसिक्स है। पार्ट नंबर 4 सबसे पहले हम ट्राई करते हैं। और फंक्शन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा। अब इसको ड्रॉ करने का प्रोसीजर क्या होगा? अच्छा, इसमें मेन चीज ग्राफ ही है, आपको कोई पूछेगा नहीं स्टेप्स आपने किन किन तरीके से लिखा है। बस दो तीन बातें आपने लिखनी है, उसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले बच्चों, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में टोटल तीन चार चीजें बताई थी। सबसे पहले था एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिर देखा था पीरियड, फिर था हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, फिर था वर्टिकल शिफ्ट। ये हमने सारी बातें डिस्कस की थी। अच्छा, बाय द वे, जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है ना, इसको फेज शिफ्ट भी कहते हैं। फेज, PHASE और शिफ्ट, बल हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का वर्डिंग ही यूज करते हैं। तो चार चीजें मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बता दी थी। अगर आप इस फंक्शन को देखो ना, इसमें दो चीजें ही हैं, एक तो एम्पलीट्यूड जो कि 2 के बराबर है, और एक इसकी पीरियड में चेंजिंग है। पीरियड का मैंने बताया था ताल्लुक उस वक्त होता है जब थीटा से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे थीटा से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसका पीरियड चेंज हो जाएगा। क्या होगा जरा हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है उसको आप कहते हो एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड आपके पास यहाँ पे क्या है, 2। अगर यहाँ पे नेगेटिव आता तो नेगेटिव को इग्नोर करते क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्टेंस है। आपने बस ये देखना है कि डिस्टेंस क्या आ रहा है यहाँ पे। तो खैर, एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास 2 है। अब हम निकालते हैं पीरियड इसका। पीरियड किस तरह निकालते हैं, जो साइन है इसका पीरियड होता है 2 पाई। फिर मैंने बताया था 2 पाई को आप डिवाइड करोगे जो थीटा के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। थीटा के साथ नंबर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका पीरियड जो है वो 2π/3 है। इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत शॉर्ट तरीका मैंने बताया था कि π/3 क्या होता है, 60 डिग्री। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 120 डिग्री। इसका मतलब अगर इस पीरियड को नॉर्मली हम रेडियन के अंदर ही, बल्कि रेडियन के अंदर ही डिस्कस किया जाता है, डिग्री में मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 120 डिग्री के बाद आपका ग्राफ जो है वो रिपीट कर रहा होगा। जैसे नॉर्मल साइन का ग्राफ जो है वो 360 डिग्री के बाद रिपीट होता है, लेकिन इसमें आपका एंगल 3 से मल्टीप्लाई हो गया, दैट्स व्हाई आपका ग्राफ जो है ना हॉरिजॉन्टली कॉम्प्रेस हो गया। तो वो पूरी 1 रेवोल्यूशन जो है वो 0 से लेके 120 डिग्री तक कर लेगा, क्योंकि पीरियड उसका अब क्या हो गया, 2π/3 हो गया। ये करने के बाद अब आपने इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने के लिए साइन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये फेयर में कर लो, अगर चाहो तो आप फेयर में इसको बना लेना। कि सबसे पहले साइन फंक्शन को ड्रॉ करो, ये साइन फंक्शन होता है। आपको पता होना चाहिए कौन से एक्स एक्सिस पे कौन से सारे पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट जो है ये 0 होता है, ये वाला पॉइंट पाई होता है, और ये जिस पे एंड होता है ये 2π होता है। दरमियान वाले पॉइंट क्या होते हैं, 0 और π का एवरेज अगर आप लो तो π/2 आएगा। ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्या होता है, π/2 होता है। इसी तरह पाए और 2π का एवरेज लेना, आंसर आपके पास आएगा 3π/2। 3π/2 क्या होता है, 270 डिग्री।
ये सिंपल ग्राफ होता है किसका, साइन थीटा का ग्राफ होता है। लेकिन आपको किसका ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करना है वाई इज इक्वल टू 2 sin θ। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे क्या है 1 के बराबर, मिनिमम पॉइंट क्या है यहाँ पे माइनस। ये ग्राफ मैंने आप लोगों को कल इतनी दफा करवाया, अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए कि ये जो साइन का ग्राफ, ये वैल्यूज और ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल साइन का ग्राफ है। अब हम कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की किसका, y इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा। अब जरा देखो, सबसे पहली बात आपको यहां पे नोट करनी है कि पहले आपका जो ग्राफ था वो एक्स एक्सिस से लेकर टॉप पॉइंट तक कितना डिस्टेंस था, 1 के बराबर था, ये पूरा डिस्टेंस 1 था। लेकिन अब एम्पीट्यूड इसका 2 हो गया, इसका मतलब अब आपका डिस्टेंस डबल हो जाएगा, मतलब इस तरीके का बनेगा आपका ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट 2 है, इसी तरह नीचे हम एक पॉइंट ले लेते हैं -2, तो अब आपका जो मैक्सिमम पॉइंट है ना वो 2 तक जाएगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट 1 तक था, अब मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 2 तक जाएगा। दूसरी बात, पीरियड क्या है यहाँ पे 2π/3, जो पीरियड होता है ना उस पर आपका 1 साइकिल कंप्लीट हो जाती है। जैसे यहाँ पे पीरियड साइन फंक्शन का 2π होता है ना, तो पूरी एक साइकिल जो है वो 2π पे जाके खत्म हो जाती है। इसका पीरियड 2π/3 है, तो मतलब पूरी साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगी, 2π/3 पे कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर कर लो 0 है इसका, और एंडिंग पॉइंट की यहाँ पे ले लेते हैं हम 2π/3, क्योंकि इस ग्राफ में 2π/3 की यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो तो बहुत छोटा सा ग्राफ हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा आपको, तो इसे मैंने थोड़ा बड़ा कर दिए। कंसीडर कर लो ये 0 है और ये 2π/3 है, आपका ग्राफ जो है वो यहाँ पे आके खत्म करना है आप उसको, ठीक है। 0 और 2π/3, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसको इस तरह समझो, 0 और 120 का एवरेज क्या होता है, 0 और 120 का एवरेज क्या होता है जल्दी बताओ, 60 होता है, 60 को रेडियन में हम क्या बोलते हैं, π/3। तो इसका मतलब जो मिड वाला पॉइंट होगा ना वो यहाँ पे होगा π/3। अब जरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, साइन का ग्राफ किस तरह होता है, एक पीक ऊपर जाती है फिर एक पीक नीचे आती है, वही काम करो। मैक्सिमम पॉइंट देखो 2 है, फिर एंड पे इस पॉइंट पे आएगा ये, मिनिमम पॉइंट -2 है, फिर इस पॉइंट पे खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 2 है, क्यों, एक्स एक्सिस से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस क्या है, 2 के बराबर है। तो इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड 2 है और इसका पीरियड क्या, 2π/3, क्योंकि एक इसकी पूरी साइकिल जो है वो 2π/3 पे खत्म हो रही है। अब आप थोड़ी लेबलिंग कर दो, जैसे ये वाला पॉइंट क्या आप लोगों ने अभी निकाला है, π/3। मजीद अगर आप लेबलिंग करना चाह रहे हो, 0 और 60 का एवरेज क्या होता है, 0 और 60 का एवरेज निकालोगे 30 आएगा, तो उसका मतलब ये दरमियान वाला पॉइंट 30 है, मतलब π/6, मतलब आपको π/6 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप क्या करना, यहाँ पे थीटा की जगह ना π/6 पुट करना, देखना इस पूरे फंक्शन की आपको वैल्यू 2 मिल रही होगी, तो π/6 वैल्यू पे आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा और आपको वैल्यू 2 मिल रही होगी। इसी तरह π/3 होता है 60 और 2π/3 होता है 120। 60 और 120 का जब आप एवरेज निकालोगे 90 आएगा, इसका मतलब ये दरमियान वाला पॉइंट क्या, 90, जिसको आप लिखते हो π/2। और आप ऑब्जर्व करोगे जब आप इस फंक्शन में थीटा की जगह π/2 पुट करोगे और कैलकुलेटर से सॉल्व करना, देखना आपके पास सबसे छोटा आंसर आ रहा होगा, मतलब -2 आ रहा होगा, ये आप लोग ऑब्जर्व कर लेना। तो ये बच्चों ग्राफ जो है मैंने ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल टू 2 sin 3 थीटा। अब आप देखो ये एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, क्योंकि मैंने कोई पॉइंट्स पिक नहीं किया, मैंने रैंडम एक पूरी पीक बना दी इस तरीके से, लेकिन अंदाजन हमने ग्राफ बनाया, लेकिन हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग 0 से एंडिंग 2π/3 इस तरीके से आपका ग्राफ पूरा बन रहा होगा, ठीक है। एक चीज मुझे कंफर्म करने दो, यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है ड्रॉ करो ग्राफ वेयर थीटा जो है ना वो 0 से लेकर 2π के दरमियान होगा। तो आई गेस ये आपसे कहना चाह रहे हैं, सेकंड मुझे एग्जांपल देखने दो, फिर ये मैं आपको बताता हूँ साइन 2θ ग्राफ कहाँ पे है, यहाँ पे है, अच्छा सही है। ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने जो ग्राफ बनाना है ना वो 0 से लेकर 2π तक बनाना है, ठीक है। हमने अभी जो ग्राफ बनाया वो 0 से लेकर 2π/3 तक बनाया, तो ये 0 से लेकर 2π/3 तक जब आप बना लोगे ना ग्राफ, तो 2π तक भी बनाना आपके लिए मसला नहीं है। क्यों, इसको हम जरा आगे कर लेते हैं। अगर आपको रेडियन और डिग्री में कैलकुलेशन आती है, अब सवाल आसानी से कर सकते हो। जैसे ये 120 डिग्री था, यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री है, फिर मजीद हम यहां पे आएंगे टोटल 120 डिग्री, तो 120 120 तकरीबन समझ लो ये क्या हो जाएगा, 240। 240 क्या होता है, 4π/3। 120 120 इसी तरह यहां कंसीडर करो 120, तो जब 3 दफा 120 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, 360, जिसको आप 2π कहते हो। तो यहाँ पे फंक्शन का पीरियड 2π/3 था, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसकी साइकिल कितनी थी, कल मैंने साइकिल का कॉन्सेप्ट दिया था, कोई बता सकते हैं इसकी कितनी साइकिल होंगी, बस इसकी 3 साइकिल होंगी। साइकिल का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 2π तक आपका ग्राफ कितनी दफा रिपीट हो रहा है। तो देखो 0 से लेकर 120 तक
इसकी एक साइकिल, फिर 120 से लेके 240 तक एक साइकिल, फिर 240 से लेके 360 तक एक साइकिल। तो कहने का मतलब जीरो से लेके 2π तक यहाँ पे कितनी साइकिल है, तीन साइकिल है यहाँ पे, तीन दफा आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है खत्म हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है खत्म हो रहा है इस तरीके से। तो दैट्स वाई इसकी साइकिल तीन है, तो ये तीन दफा पैटर्न बनेगा, दोबारा बना सकते हो इसी तरीके से। ये मैं पहले बता देता हूँ, दरमियान वाला पॉइंट फिलहाल अभी नाम नहीं है, हम उसको देते हैं वैसे ही दरमियान वाला कर लो। अगेन इस टाइप की आपको एक पीक मिलेगी पूरी, इस तरीके जा रहा होगा, फिर इस तरह ग्राफ मिलेगा, फिर अगेन मिड पॉइंट फिलहाल हम रहने देते हैं ऐसी, अगेन मैक्सिमम जाएगा, फिर मिनिमम जाके इस तरह बन जाएगा। तो अगर आप देखो जीरो से लेकर 2π तक आपके पास ये पूरा ग्राफ बन गया, कि बहुत खूबसूरत सा ग्राफ है जिसमें आप हर चीज लेबल है, आप देख सकते हो पीरियड इसका 2π/3 है और तीन साइकिल इसकी कंप्लीट हो रही है जीरो से लेकर 2π के दरमियान। अब अगर आप ये वाले पॉइंट मालूम करना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से कर सकते हो। ये 120 डिग्री है, ये 240 डिग्री है, 120 और 240 का जब आप एवरेज निकालोगे ना तो 180 आएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट 180 है, 180 को रेडियन में आप पाई कहते हो। इसी तरह ये 240 है और ये 360 है, 240 और 360 के दरमियान जो अगर आप एवरेज निकालो तो 300 आएगा। 300 को आप कहते हो 5π/3। अब ये डिपेंड करता है आपने ट्रिग्नोमेट्री कैसे सीखी है, रेडियन, डिग्री, कन्वर्जन, सब मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी होंगी तो आप आसानी से इनको लेबल कर सकते हो। बहरहाल अगर आप ये वाला लेबल ना भी करो तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्राफ आपने सही तरीके से बनाना है। आप क्लियरली ग्राफ से शो हो रहा है कि इसका एक पीरियड 2π/3 पे खत्म हो रहा है। तो ये बच्चों इस पूरे ग्राफ मैंने बना दिया जीरो से लेकर 2π के दरमियान। अगर आप ये ग्राफिंग ऐप जो मैंने कल आप लोगों को दी थी, या चलो एकदम से मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ, थोड़ा आप लोग बोरियत भी कम होगी। एग्जैक्ट अगर आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो जो मैंने ये बनाया ना, यही चीज आपको नजर आएगी यहाँ। एक सेकंड रुको, हम शेयर करते हैं। उम्मीद है अब आप लोगों को सबको स्क्रीन नजर आ रही होगी। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बल्कि तो ड्रॉ हुआ, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हुआ है। तो हमने क्या देखना है, ये कहाँ से आ गया, हाँ तो हमने देखना है जीरो से लेके, ये देखो जीरो से लेके इसका एक पीरियड कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे। नहीं, ये ग्राफ मैंने गलत बनाया था, ये किसका ग्राफ है, सॉरी, वाई इज इक्वल टू 2sin 3θ, ठीक। हाँ, अब ये ग्राफ बना है। तो अगर आप देखो जीरो से लेके 2π/3 तक, ये देखो एक साइकिल इसी कंप्लीट हो गई, जीरो से स्टार्ट हुआ करते करते नीचे आया, ये पूरी एक साइकिल इसकी 2π/3 पे खत्म हो गई है। फिर 2π/3 से लेके 4π/3 तक एक साइकिल है इसकी, फिर 4π/3 से लेके 2π तक इसकी एक साइकिल है। तो जीरो से लेके 2π तक तीन दफा ये कंप्लीट हुआ है। आपको बस जीरो से लेके 2π तक बनाना है, जीरो से पहले नहीं बनाना आपको, 2π के बाद नहीं बनाना आपको, बस जीरो से लेके 2π के दरमियान आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पार्ट नंबर वन कर लोगे, कॉस 4θ है ना, बड़ा बच्चों वाला सवाल है। कॉस 4θ का पीरियड 5/2 होगा, जीरो से लेके 5/2 तक आपने कॉस का पूरा ग्राफ जो है वो खत्म करना है। तो एक इसकी चार साइकिल्स बनेंगी, जीरो से लेके 2π के दरमियान चार दफा पूरा ग्राफ होगा। तो ये देख लेना, कल बहुत दफा कॉस का ग्राफ मैंने बनाया। इसी तरह पार्ट नंबर 6 में लिखा हुआ है sin 2θ, 2θ का पीरियड होगा पाए, तो जीरो से लेकर 2π तक दो साइकिल्स आपको नजर आएंगे यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा आसानी से। पीछे बचा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, इसमें फ्रैक्शंस है। तो इसमें सबसे मुश्किल जो है ना वो पार्ट नंबर 3 आप कह लो, कि उसमें बाहर भी 3 लिखा हुआ है, अंदर भी थीटा को 2 से डिवाइड किया हुआ है। तो पार्ट नंबर 3 जो है, जरा उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फंक्शन है आपके पास y इज इक्वल टू 3cos θ/2। अगेन जो आपको ड्रॉ करना है ना, 2π के दरमियान तक ड्रॉ करना है, जो सवाल में था इसी सवाल में वही है, कि जीरो से लेकर 2π तक आपने ग्राफ को ड्रॉ करना है, वरना ग्राफ तो मुस्तकिल चलता रहेगा ना, लेकिन आपने इस पीस के अंदर इसको ड्रॉ करना है। अगेन वही चीज, अगर आप इसमें देखो बहुत सिंपल केस है, इसमें कोई शिफ्टिंग नहीं है, ना हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है ना वर्टिकल शिफ्ट है, बस एम्पलीट्यूड और पीरियड इसका थोड़ा चेंज है कॉस फंक्शन से। एम्पलीट्यूड इसका क्या है यहाँ पे जी, अच्छा जी, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं यहाँ पे पीरियड क्या होगा, फोर पाए। एक्सीलेंट, पीरियड यहाँ पे 4π है। कैसे, कॉस का पीरियड होता है 2π डिवाइडेड बाय थीटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, थीटा के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2। तो सॉल्व करना यहाँ पे पीरियड 4π आ रहा होगा। इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि जीरो से लेकर 2π तक हाफ साइकिल कंप्लीट होगी इसकी। ये पूरी साइकिल पता है कब कंप्लीट होगी, 4π तक, और जीरो से लेके 4π तक जब आप बनाओगे ना तब पूरी साइकिल कंप्लीट होगी कॉस के फंक्शन की। लेकिन हमें कहां से कहां तक बनाना है, हमें जीरो से लेकर 2π तक बनाना है। इसका मतलब इस सवाल में हाफ साइकिल ही बना पाओगे आप कॉस की। क्या मतलब है इसका, सबसे पहले कॉस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए।
तो मैं एक पहले नॉर्मल कॉस का ग्राफ बना लेता हूँ और लेबल करके दिखाता हूँ आप लोगों को। कॉस का ग्राफ अगर आप जीरो से लेकर टू पाए तक बनाओ, कंसीडर कर लो ये जीरो है और कंसीडर कर लो ये टू पाए है। तो कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, आता है नीचे एक पीक बनती है और यहां पे खत्म हो जाता है। तो टू पाए को हम थोड़ा पहले ले आते हैं, ये कॉस का ग्राफ होता है जीरो से लेकर टू पाए तक। कॉस इस तरीके से बनता है, मैंने जो आप लोगों को ऐप बताई है उसमें जाके देख लेना। और इस पीक को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि ये अगर डिस्टेंस वन है तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, माइनस वन। तो तकरीबन दोनों डिस्टेंस सेम होने चाहिए। तो एक्स एक्सिस से ऊपर कितना है, वन यूनिट, एक्स एक्सिस से नीचे कितना है, वन यूनिट। डायरेक्शन की वजह से माइनस वन लिखा हुआ है। ये टिपिकल टिपिकल ग्राफ होता है सिंपल कॉस फंक्शन का। अब जरा लेबल करते हैं एक्स एक्सिस पे। ये वाला पॉइंट जो है, सबसे पहली बात, ये वाला पॉइंट होता है टू पाई, जीरो और टू पाई। जीरो और टू पाई का सेंटर क्या होता है, मतलब एवरेज क्या होता है, पाई। तो यहाँ पे आपको कहीं पाई नजर आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप देखो कॉस फंक्शन में जब आप पाई पुट करते हो तो सबसे मिनिमम वैल्यू आपको मिलती है माइनस वन। तो आपको नजर आ रहा है पाई पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी माइनस वन। जीरो और पाई मतलब जीरो और 180 डिग्री का हाफ क्या होगा, एवरेज क्या होगा, 90। ये वाला पॉइंट 90 है। आप ऑब्जर्व करना, जब मैं इसके अंदर पाई पॉइंट टू पुट करता हूँ ना, तो मुझे आंसर जीरो मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। तो वाई वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो मिल जाएगी। इसी तरह 180 और 360, इसका मिड पॉइंट क्या होता है, 270। तो ये वाला पॉइंट 270 होगा। 270 को आप लिखते हो 3π/2। टिपिकल ग्राफ होता है कॉस का, ये लेबल कर दिया जीरो से लेकर टू पाए तक, जिसका पीरियड यहाँ पे टू पाए है, एम्पलीट्यूड इसका वन है। अब हम ड्रॉ करते हैं जो सवाल में गिवन है। सवाल में जो आपको गिवन है उसका एम्पलीट्यूड सबसे पहले थ्री है, मतलब एक्स एक्सिस से 3 यूनिट ऊपर होगा वो, पहली बात। तो कंसीडर कर लो ये वाला पॉइंट थ्री है, इसी तरह नीचे भी तकरीबन ये पॉइंट होगा, इसको कंसीडर कर लो ये माइनस थ्री है। तो पहली बात एम्पलीट्यूड तो उसका थ्री है, मतलब थ्री से स्टार्ट होगा ये। तो स्टार्ट करते हैं थ्री से। अच्छा, खत्म आपने कहाँ पे करवाना है, इसका पीरियड है जीरो से लेके फोर पाए तक, लेकिन हमें ड्रॉ जो करना है वो जीरो से लेके टू पाए तक ड्रॉ करना है। लेकिन फिलहाल मैं जीरो से लेके फोर पाए तक ड्रॉ कर रहा हूँ, बाद में हम मिटा देंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के लिए फिलहाल मैं फोर पाए तक ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। तो एज्यूम कर लो ये वाला पॉइंट जीरो है और यहाँ पे कहीं आपको फोर पाए मिल रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल इसकी फोर पाए पे पूरी कंप्लीट होगी। तो जीरो से लेके फोर, अच्छा फोर पाए और का मिड पॉइंट क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, टू पाए आएगा, तकरीबन कहीं दरमियान में होगा इस तरीके से, ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अब जरा कॉस का ग्राफ बनाते हैं। आपको पता है कॉस के ग्राफ पे जो मिड पॉइंट होता है उस पर मिनिमम वैल्यू होती है, इसका मतलब टू पाए पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाओ, स्टार्ट करो थ्री से, जीरो और टू पाए के मिड पे आपको पता है ये क्रॉस कर रहा होता है एक्स एक्सिस को। तो जीरो और टू पाए का मिड पॉइंट के यहाँ पे होगा जो कि पाए होगा। जरा इसको ग्राफ बनाते हैं, इस तरह नीचे आया। अब अगर आप देखो बिल्कुल मिनिमम पॉइंट आपको टू पाए पे मिलेगा, ये मिनिमम पॉइंट मिला है। फिर आपको टू पाए और फोर पाए के दरमियान ही कहीं जाएगा, करते 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 यहाँ पे फोर पाए पे खत्म हो जाएगा इस तरीके। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, टू पाए और फोर पाए के दरमियान वाला पॉइंट क्या होता है, थ्री पाए। इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करोगे कि मिनिमम पॉइंट आपको यहाँ पे मिल रहा होगा टू पाए पे। अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो ना, इस फंक्शन में थीटा की जगह पे पुट कर दो टू पाए और कैलकुलेटर से वैल्यू निकालना, देखना वैल्यू आ रही होगी माइनस थ्री करके देख लेना। और मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, या तो जीरो पे, जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू थ्री मिल रही होगी। आप यहाँ पे जीरो पुट करना, देखना थ्री आंसर आ रहा होगा पूरे फंक्शन का। इसी तरह आप यहाँ पे फोर पाए पुट करना थीटा की जगह पे, तो देखना मैक्सिमम आंसर आपको थ्री मिल रहा होगा यहाँ पे। लेकिन आपको ये ड्रॉ नहीं करना था, आपको जीरो से लेकर टू पाए तक ड्रॉ। तो अब आप क्या करो, ये वाला ग्राफ पेपर में भी इसी तरह बनाना, इसको डैश डैश बना दो, लाइक बताने के लिए चेकर को कि भाई आपने मुझे बोला था टू पाए तक, तो टू पाए तक मैंने ग्राफ बनाया, लेकिन उसके बाद मैं आपको बस शो करवाना चाह रहा हूँ कि एक साइकिल इसकी फोर पाए तक कंप्लीट हो रही है। असल में आपको ग्राफ टू पाए तक बनाना था यहाँ तक। तो ये मैंने सॉलिड बना लिया, इस तरह ग्राफ बन रहा होगा। बाकी ग्राफ इसलिए दिखाया हुआ है कि एक पीरियड इसका फोर पाए है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, सही है। तो सारे आपने एक्स एक्सिस पे लेबल कर दिए पॉइंट, कॉस का ग्राफ भी ड्रॉ कर दिया। ग्राफ से भी आपको नजर आ रहा है एक पूरी साइकिल फोर पाए पे खत्म होती है, लेकिन साइकिल का जो वर्ड आप यूज करते हो ना, वो नॉर्मली जीरो से लेकर टू पाए तक यूज करते हो। तो जीरो से लेकर टू पाए तक आप देखो हाफ साइकिल इसकी कंप्लीट हो रही है, आधी साइकिल। तो अगर आपको को बोले इसकी साइकिल कितनी है, आप बोलोगे साइकिल भाई इसकी हाफ है, 1/2 है। जीरो से लेकर टू पाए तक हाफ कंप्लीट हुआ है ग्राफ, बाकी पूरा फोर पाए तक जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एट के भी मैं एक दो सवाल करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर एट थोड़ा समझने में मुश्किल है, क्योंकि उसमें वर्टिकल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, ये चीजें आ जाती हैं, तो वो समझने में थोड़ा मसला हो जाता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। सबसे मुश्किल पार्ट देखते हैं इसमें।
सबसे पहले तो मैं पार्ट नंबर 5 करवाता हूँ ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा हुआ है साइन 3π/2 -θ नहीं, आई गेस ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूं कल। एक सेकेंड, मुझे एग्जाम्पल मुझे याद आ रही है, शायद मैंने करवा दी है कल, करवा दी तो दोबारा करवाने का मकसद नहीं है ना कोई। एक सेकंड मुझे देखने तो रिकॉर्डिंग में, क्योंकि तुम लोगों को तो याद नहीं होगा, रिकॉर्डिंग में मैं देख लेता हूँ करवाया या नहीं। कंफर्म यस है? सर। चलो ठीक है, तो मैं कोई और करवाता हूँ। अभी प्लस वाला केस बड़ा इजी होता है वैसे, प्लस वाला मैं करवा सकता हूँ यहाँ पे प्लस वाला, लेकिन चलो कुछ और करते हैं ना जिसमें, फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है कॉस पाई -θ इज इक्वल टू -cos θ। अच्छा सवाल है क्या, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ ऑफ साइन कोसाइन टेंजेंट शो दैट द फॉलोइंग। अच्छा सवाल में लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, पेपर में देख लेना भाई, अंधाधुन प्रूव नहीं करने लग जाना। ये चैप्टर नंबर 10 में भी आप काम करते थे, उसमें सिंपल आप यहाँ पे यूज करते थे कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। ये ना पेपर में ये वाला मेथड करके आया जो, जरा देख लेना कि ऊपर लिखा हुआ क्या, आपको बोला हुआ प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व करो। एग्जैक्ट यही सवाल आई गेस चैप्टर नंबर 10 में भी होते थे, मैं जरा बताता हूँ आप लोगों के उनके सवाल क्या हुआ करते थे। हाँ ये रहा, हाँ देखो एक्सरसाइज 10.1 के शुरू का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ प्रूव दैट, सिंपल पेपर में क्या है प्रूव दैट। तो जब आपको बोला ना प्रूफ करो, दुनिया जहान के कोई भी मेथड यूज करके आप प्रूफ कर सकते हो, आपको कैद नहीं किया जाएगा कौन सा मेथड यूज करना है। नॉर्मली आप बेवकूफ हो गए अगर आप इस मेथड से प्रूफ करोगे, हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो सिंपल अगर प्रूफ दैट का आएगा तो आप वो फॉर्मूला यूज कर लेना, लेकिन अगर पेपर में बोला जाए कि प्रूफ करो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइन कोसाइन एंड टेंजेंट, उसका मतलब फिर आपको वही फेज शिफ्ट और हॉरिजॉन्टल शिफ्ट उन वाले कॉन्सेप्ट से ग्राफ के जरिए से आपको प्रूफ करना है। कितनी दफा अगर पेपर में आया है सवाल, तो क्योंकि थोड़े सवाल मुश्किल हैं, मुझे नहीं लगता पेपर वो अगर मुश्किल बनाएंगे, मैं तो तैयारी करवा रहा हूँ, लेकिन अगर ये दे दिया तो बच्चे गए, बच्चों का बेड़ा गर्क होगा अगर इस टाइप के सवाल पेपर में आ गए। मुझे लगता नहीं है वो बनाएंगे, लेकिन है तो इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो अगर पेपर में आएगा तो साथ वो शायद लिख भी दें कि ग्राफ के जरिए से आप प्रूफ करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। तो ये आंखें खोल के जरा देख लेना कि सवाल क्या लिखा हुआ है, ये ना 5 नंबर का सवाल 4 नंबर का सवाल गलत करके आ जाओ। अच्छा अब आ जाओ कि ग्राफ के जरिए से प्रूफ कैसे करना है। पहले इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि ग्राफ मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, कोशिश रखना कि थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव हो, मतलब नेगेटिव में ना फिर आपको रिफ्लेक्शन करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हम अंदर से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा -π। आपको पता कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आए तो कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस नेगेटिव को इग्नोर कर दो, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा -π, जिसको आपने प्रूफ करना है कि ये बराबर है -cos θ के। इस वाली इक्वेशन को कंसीडर करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करो फिर राइट हैंड साइड को ड्रॉ करो, खुद ही आपको नजर आ जाएगा कि दोनों ग्राफ जो है वो सेम ही है। ठीक, तो सबसे पहले हम ड्रॉ का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट ड्रॉ फर्स्टली आप जो लेफ्ट हैंड साइड है ड्रॉ करो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है कॉस थीटा -π, इसको मैं ड्रॉ करना है। अच्छा आप ना इसको एक काम करते हैं, हम तरतीब से ड्रॉ करते हैं, नहीं हम सब एक काम करते हैं, उससे पहले इस वर्डिंग को छोड़ दो, सबसे पहले आप सॉल्यूशन पे आओ और तरतीब से ना ग्राफ ड्रॉ कर लो। तरतीब से ड्रॉ करने का मकसद कि अगर आप देखो यहाँ पे कॉस फंक्शन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से, तो आप एक काम करो अपनी आसानी के लिए, सबसे पहले कॉस से स्टार्ट करो। देखो जो भी फंक्शन लिखे हुए होंगे आप स्टार्ट करोगे सिंपल साइन थीटा से, कॉस थीटा से, टेंजेंट थीटा से, क्योंकि उनके ग्राफ आपको पता है। फिर आप उनके अंदर मॉडिफिकेशन करना, साइड पे ले जाना, ऊपर ले जाना, या जो भी उन्होंने बोला हुआ होगा, पहले स्टार्ट करो बिल्कुल सिंपल से केस से। जैसे मुझे पता है कॉस फंक्शन आ रहा है ना, तो सबसे पहले कॉस थीटा से स्टार्ट करो, कॉस थीटा का ग्राफ बनाओ जो भी आप लोगों ने बनाया था। कैसे बनेगा, ये मैक्सिमम पॉइंट, ये मिनिमम पॉइंट, और अज्यूम कर लो ये 0 है और ये 2π है, दरमियान का बिल्कुल होगा पाए पे, इस तरीके से कॉस का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम पॉइंट इसमें मिल रहा होगा, ये जो है ये π/2 होगा और ये वाला पॉइंट होगा 3π/2। तो सबसे पहले आपने बेसिक केस बना दिया वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा का। अब आप देखो आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है वाई इज इक्वल टू -cos θ, मतलब अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और -cos θ को ड्रॉ करते हैं, या आप लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रॉ कर सकते हो कोई इशू नहीं है।
कॉस फंक्शन से आप इसके बाद आप ये बना दो या इसके बाद आप ये बना दो, आपकी मर्जी है। तो मैं फिलहाल माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनाता हूँ, देख लो। माइनस कॉस थीटा ग्राफ कैसे बनेगा? मैंने कल भी बताया था, जब आप किसी फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो उस रिजल्ट में क्या होता है, ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाता है अबाउट एक्स एक्सिस। क्या मतलब? कि जो चीज आपको ऊपर नजर आ रही है वो एक्स एक्सिस के नीचे नजर आएगी, जो एक्स एक्सिस के नीचे नजर आ रही है वो ऊपर चली जाएगी, अगेन जो ऊपर नजर आ रही है वो नीचे चली जाएगी। तो देखना ग्राफ अब इस तरीके से हो जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट अभी भी 1 होगा, मिनिमम अभी भी -1 होगा, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, पीरियड अभी भी वही रहेगा, सिर्फ रिफ्लेक्शन आपने की है, इसलिए दरम्यान वाला पॉइंट भी पाया रहेगा। अब देखना क्या होगा, पहले यहां से स्टार्ट हो रहा था ना, जब आप इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे अब यहां से स्टार्ट होगा, और ये समझ लो कि मिड पॉइंट कंसिडर कर लो यहाँ पे, तो ग्राफ आपका इस तरह बनेगा। तकरीबन इस तरीके से बन जाए। तो आप देखो आपने क्या किया, ग्राफ को उल्टा कर दिया, बस ये शेप थी ना इसको आपने उल्टा कर दिया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो नीचे चला गया, इसी तरह ये ऊपर था ये नीचे चला गया। तो इसको हम कहते हैं कि आपने कॉस के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करवा दिया अबाउट एक्स एक्सिस। ये कॉस का ग्राफ है, सब पॉइंट्स आपको पता है, ये वाला पॉइंट पाई बाय टू है, ये वाला पॉइंट, इसमें लेबल करना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, 3 पाई बाय 2, ये ग्राफ बन गया। तो ये किसका ग्राफ है? वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बना है, मतलब राइट हैंड साइड पे जो ग्राफ है ना वो आपने बना लिया। अब आपने क्या करना है, आपने किसी तरह लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ को ड्रॉ करना है, और आपने शो करना है कि ये वाला ग्राफ और लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ आपस में इक्वल है। तो अब हम जरा लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा माइनस पाई। इसका मतलब क्या होता है? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप थीटा में कोई भी नंबर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्राफ आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा। अगर आप दरमियान में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप अपने ग्राफ को राइट की तरफ लेके जा रहे हो। अगर आपके दरमियान में पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आप ग्राफ को लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हो। ठीक है, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। तो दरमियान में नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप क्या करोगे, ग्राफ को राइट की तरफ लेके जा रहे हो। ये कॉस का ग्राफ है, इसको उठा के आपने राइट की तरफ लेके जाना है। अब जरा देखो किस तरह लेके जाएंगे। सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, कि जब आप इसको राइट की तरफ लेके जाओगे ना, तो ये यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, पीछे वाला हिस्सा मिसिंग होगा। तो मिसिंग होता नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि कॉस का ग्राफ तो कंटिन्यूस है ना, मुस्तकिल चलता हुआ आ रहा है। तो मैं काम करते जो पीछे है ना उसको डैश डैश करके बना देते हैं, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए कि भाई कॉस का ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस है, ये नहीं कि सिर्फ इतना सा होता है कॉस का ग्राफ। तो ये पीछे पूरा चलता रहता है, आगे पूरा चलता रहता है। अपनी आसानी के लिए आप चाहो तो इस तरह डैश बना देना, ताकि आपको मजीद आइडिया क्लियर हो जाए। सेम इसके साथ भी आप कर सकते हो कि ये ग्राफ सिर्फ इतना बना हुआ है, लेकिन आगे पीछे भी तो बनेगा ना, इसके आगे भी इस तरह का ग्राफ होगा यूं करके। अच्छा, इसी तरह इसके इधर भी ग्राफ होगा, ये पूरा चल रहा होगा। ये है आपका कॉस का ग्राफ। क्या करना है आपने, दरमियान में माइनस आ रहा है, इसका मतलब कॉस के ग्राफ को आपने राइट की तरफ लेके जाना है। कितना राइट की तरफ? तो अगर आपका ग्राफ पहले यहां पे स्टार्ट हो रहा था, तो अब ये वाला पॉइंट एग्जैक्ट पाई के ऊपर आएगा, क्योंकि आप इस ग्राफ को राइट की तरफ लेके जा रहे हो। कितना डिस्टेंस? पाई डिस्टेंस। तो अगर ये यहां पे था, तो अब ये यहां पे आ जाएगा एग्जैक्ट पाई के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट अब यहां से स्टार्ट होगा। अब देखना कैसे बनेगा। तो एज्यूम कर लो ये वाला ये पूरा पाए है, तो जो चीज आपकी यहां से स्टार्ट होती थी ना, अब वो पाए के ऊपर से स्टार्ट होगी। एज्यूम कर लो ये वाला डिस्टेंस 1 के बराबर है। तो अब आपने ग्राफ यहां से स्टार्ट करना है, किस तरीके से? अगेन वही, किस तरीके से आप ग्राफ बनाते हो? अच्छा, पहले 0 से लेकर 2 पाए तक आपने ग्राफ बनाया था ना, पीरियड इसका 2 पाए था, लेकिन अब ये स्टार्ट पाए से हो रहा है, तो खत्म कहाँ पे होगा? 3 पाए के ऊपर। तो एज्यूम कर लो 2 पाए यहाँ पे होगा, 3 पाए के यहाँ पे होगा, और ये जो मैंने पाए और 3 पाए मालूम किए, ये आप अलजबरी करीब भी मालूम कर सकते हो। ये थीटा माइनस पाए है ना, इसको रखो 0 के बराबर। ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, पाए को उधर ले जाओ, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा? पाए। एंडिंग पॉइंट कैसे निकालोगे? थीटा माइनस पाए को रखो 2 पाए के बराबर, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ रही है 3 पाए। इसका मतलब एंडिंग पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? 3 पाए, क्योंकि पीरियड में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना, पीरियड में फर्क उस वक्त पड़ता जब मैं थीटा को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता, पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर ये 0 से लेकर 2 पाए है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2 पाए, तो इसका भी टोटल डिस्टेंस क्या होना चाहिए? 2 पाए के बराबर होना चाहिए। अच्छा, फिर आप कोई दरमियान में एक पॉइंट बना दो, दरमियान में क्या होगा? 2 पाए होगा। अब जरा कॉस का ग्राफ बनाते हैं। फजूल किस्म का ग्राफ बनाए, एक सेकेंड, यहां से थोड़ा कर्व लाना है भाई। हाँ, तो ये मिनिमम पॉइंट वही -1 है, ये आपका ग्राफ बन रहा होगा। आप देखो स्टार्ट एग्जैक्ट ये वही चीज है जो आपने ये बनाई थी ना, एग्जैक्ट वही शेप है, बस इसको उठा के आपने थोड़ा साइड पे बनाया, ताकि
पाई से स्टार्ट किया और इस तरीके से आपने बना दिया। लेकिन अगेन वही मैंने बात बोली थी, ये तो वो ग्राफ है जो कि दरमियान में यहाँ वाला हिस्सा कुछ नहीं है, तो इस वाले हिस्से को भी तो आपको बनाना है ना, ताकि आप एग्जैक्ट इससे मैच कर पाओ। तो जरा मैं अभी इस हिस्से को बनाता हूँ। ये हिस्सा कैसे बनेगा? ये एग्जैक्ट इस टाइप का बनेगा, आ रहा होगा यहाँ पे, आएगा इस तरीके से। क्यों ग्राफ बन रहा होगा आपका? सेम इसको अगर आप आगे लेके जाओ, इस तरीके से ग्राफ बन रहा हो। तो अब आप मैच कर सकते हो, इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, एग्जैक्ट सेम है। कैसे? स्टार्ट हो रहा है -1 से। अगर आप 0 से लेकर 2 पाई तक देखना चाह रहे हो, स्टार्ट हो रहा है -1 से, ये भी -1 से स्टार्ट हो रहा था। करते करते पाई अपॉन 2 पे गया, ये वाला पॉइंट पाई अपॉन 2 है। फिर करते करते आपका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे था? पाई पे था, मैक्सिमम पॉइंट आपका पाई पे। इसी तरह करते करते 2 पाई पे आपको मिनिमम पॉइंट मिल रहा था, देखो 2 पाई पे आपको यहाँ पे मिनिमम पॉइंट मिल रहा है। तो कहने का मतलब, इस ग्राफ और इस ग्राफ को अगर आप देखो तो आप आसानी से बता सकते हो ये दोनों सेम ही ग्राफ है, कोई फर्क नहीं है इसमें। क्योंकि डैश डैश तो मैंने अपनी तरफ से लगाई हुई है ना, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तब डैश थोड़ी ना नजर आएगी आपको, सॉलिड इस टाइप का पूरा ग्राफ नजर आएगा, और सेम ग्राफ आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो कोई फर्क नहीं है टेक्निकल तौर पे इनमें। ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा का, और ये ग्राफ है वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस फाई का। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, नाम देना चाहो तो दे दो इसको, आप 1 का नाम दे दो, इस ग्राफ को आप 2 का नाम दे दो। तो बाई 1 एंड 2, 1 और 2 को जब आपने ऑब्जर्व किया तो आप इस नतीजे पे पहुंचे कि भाई हकीकत में कॉस थीटा माइनस पाए और माइनस कॉस थीटा, इनके ग्राफ सेम है, इसका मतलब ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल है। इस तरीके से आप पेपर में अगर सवाल आएगा तो करोगे। थोड़ा मुश्किल है गेम, लेकिन मुझे नहीं पता देंगे नहीं देंगे, पहला पहली पहली बार है, क्या क्वेश्चन पेपर में आ जाए अल्लाह बेहतर जानता है। तो मेरे ख्याल में सारे सवाल आपने इसी तरह ड्रॉ करने हैं। मैंने आप लोगों को ये वाला इसलिए करवाया था क्योंकि इसमें माइनस कॉमन लेना होता है, तो जब ये आपने समझ लिया तो अब मुझे नहीं लगता, कल मैंने एग्जाम्पल्स में भी आपको बातें बताई थी, तो कोई और क्वेश्चन सॉल्व करवाने का मकसद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के देख लो, 6 के 6 पार्ट है, इसमें से देखने में आपको कौन सा ज्यादा खतरनाक लग रहा है, तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ उसके बारे में। कोई लग रहा है खतरनाक? सर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 लो, चलो टेंजेंट है। हाँ वैसे अच्छी बात है, मैंने टेंजेंट का कोई ग्राफ नहीं करवाया, तो एक काम करते पार्ट 4 को ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो ये जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टेंजेंट का भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। टेंजेंट पाई प्लस थीटा, 8 का पार्ट 4 है, मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ। पाई प्लस थीटा लिखा हुआ था, मैं थीटा प्लस पाई कर रहा हूँ, और आपको प्रूफ करना है कि बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। अलजेब्रा करी तो आपको पता है कि यार ये दोनों चीजें आपस में बराबर होती हैं, अलाइड एंगल के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर नंबर 10 के अंदर। अलजेब्रा के लिए तो हमें पता है, लेकिन हमें ग्राफिकली शो करना है कि आपस में इक्वल है। अच्छा ये अच्छी चीज है कि सवाल आ गया, क्योंकि अभी तक मैंने टेंजेंट के बारे में आप लोगों को नहीं बताया था, और टेंजेंट का ग्राफ थोड़ा मुश्किल होता है। देख लेते हैं क्या करना है इसको। सवाल में 0 से लेकर 2 पाई मेंशन है या नहीं है? नहीं है, तो फिर 0 से लेकर 2 पाई तक डिफॉल्ट आप बनाते हो ना, उसी तरह बना लेना आप लोग। और जो मैंने डैश डैश बनाया है ना, इसको आप सॉलिड भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको बस टेक्निकल तौर पर दिखाना था। डैश बनाने का मकसद है कि आप चेकर को सही तरीके से बताओगे कि यार मैं ग्राफ को उठा के यहाँ पे लेके गया हूँ, क्योंकि वो जब आपने उठा के लेके गए थे तो सॉलिड से आपने शो किया था कि पहले ग्राफ यहाँ पे था, मैं पाए पे उसको ले गया हूँ, तो वो डैश डैश लाइन से एग्जैक्ट पता चलेगा कि आप ग्राफ को मूव करके गए। सॉलिड बना दोगे तो वो एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा, बस ये लिखा ये नजर आएगा कि आपने 2 डायग्राम को सेम प्रूव कर दिया। तो वो डैश बनाने का इसलिए मकसद था, ताकि जो चेक कर रहा हो पेपर उसको एग्जैक्ट पता चल जाए कि बच्चे का कॉन्सेप्ट ठीक है, कि ग्राफ को आपने मूव करके जाना है पूरा। लेकिन अगर आप सॉलिड भी बना दो कोई इशू नहीं है। खैर तो थीटा प्लस पाई की बात करते हैं। अब इसको कैसे ड्रॉ करना है? अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, लेकिन स्टार्ट आपने अगर टेंजेंट फंक्शन आया है ना, तो सिंपल जो बेसिक टेंजेंट फंक्शन होता है जो कि राइट हैंड साइड पे भी आपको नजर आ रहा है, उसको हम जरा ड्रॉ करते हैं। वही 0 से लेकर 2 पाई तक ड्रॉ कर लो, जो हम जिस तरह करते हैं। लेकिन 0 से लेकर 2 पाई नहीं, क्योंकि टेंजेंट का पहले भी आता है, जो देखना तो उन्होंने बुक में किस तरीके से टेंजेंट का बनाया है इस किस्म के सवाल। हाँ ये एग्जाम्पल है बुक में इन्होंने, अच्छा फिलहाल तो पूरा बनाया हुआ है, 0 से स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा इन्होंने तो खैर वो पूरा आगे तक 2 पाई के बाद भी बनाया हुआ है, सही है, तो हम अपनी मर्जी से बनाते हैं टेंजेंट। अगर आप बच्चों सबसे पहले इस तरह बनाओ कि यहाँ पे आती है कि इस तरीके से नीचे होता है, फिर यहाँ पे आपको एक ना वर्टिकल लाइन नजर आती है, मैंने क्लास में बताया था इसको एजेम्प्टोट्स कहते हैं। फिर दूसरा कैसे बनता है? ये वाला पॉइंट होता है 0, और ये जो 90 डिग्री पे ये आपको एजेम्प्टोट मिलता है, मतलब पाई बाय 2 पे आपको ये एजेम्प्टोट मिल रहा होता है। ये क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था ये लाइन क्या होती है,
ये जब मैंने आप लोगों को ग्राफ का टॉपिक पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 12 के स्टार्ट में, तब ये बात मैंने बताई थी क्या चीज है पूरी। तो वहीं पे देख लेना, 0, 90 और यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा पाई, तो यहाँ पे आपको इस टाइप का ग्राफ मिल रहा होगा और ये इस तरह नीचे होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या है पाई। तो ये मैंने बेसिकली, और ये यहाँ पे भी आपको एक वर्टिकल लाइन मिलेगी ना इस तरीके से, ये होगी अगर ये 90 पे है तो ये -90 पे होगी, जिसको आप कहते हो -π/2। तो ये समझ लो तकरीबन, और यहाँ पे भी एक लाइन बना देते हैं ताकि ग्राफ बस आखिरी दफा कंप्लीट हो जाए। अगेन ये लाइन आपको कहाँ पे मिलेगी, पहले 90 पे मिलती है फिर 270 पे मिलती है, 270 का मतलब 3π/2। तो ये मैंने आपका ग्राफ, ये समझ लो -π/2 से लेके 3π/2 तक मैंने ग्राफ बना दिया। अगर 2π तक भी बनाना चाह रहे तो बना लो, 2π के यहाँ पे होगा, 2π, तो अगेन इस तरह मिलेगा, एक नीचे मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट 2π है। तो एज्यूम कर लो -π/2 से लेके 2π तक मैंने जो टेंजेंट का ग्राफ है ना वो बना दिया। अगर आप देखो ये आपकी राइट हैंड साइड है, आपने किसी तरह प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका ग्राफ भी एग्जैक्ट यही बनता होगा, तो जरा प्रूफ करते हैं। आप ड्रॉ करो यहाँ पे एक्स एक्सिस, आप अब लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ करो। तो अगर आप हेडिंग देना चाह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड के दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे है टेंजेंट थीटा प्लस पाए, अच्छा अब हुआ क्या है, थीटा के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी अगर आप देखो ये पॉइंट जो है ये 0 पे था, दोबारा ये पॉइंट कब आया है, दोबारा ये पॉइंट यहाँ पे आया, इसका मतलब 0 से लेके पाए तक आपका ग्राफ जो है एक साइकिल कंप्लीट होगी उसकी, 0 से लेके पाए तक, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट है एग्जैक्ट वो यहाँ पे आया। तो टेंजेंट के केस में मैंने आपको बताया था पीरियड क्या होता है, पाए के बराबर होता है। उसके बाद दोबारा ये पाए, ये जो पॉइंट है अभी यहाँ पे आया, अगेन आप देखो पाए डिस्टेंस है इसका। तो कहने का मतलब है अगर आप टेंजेंट की बात करो ना, तो 0 से लेकर 2π तक दो साइकिल कंप्लीट होती है, लेकिन टेंजेंट के अंदर जो साइकिल का वर्ड है आप 0 से लेके पाए तक के लिए बोलते हो, तो 0 से लेके पाए तक एक साइकिल कंप्लीट होती है सिंपल टेंजेंट फंक्शन की। तो इसकी भी वही होगी क्योंकि पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क क्या पड़ रहा है, आप इसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहे हो, कितना पाई यूनिट, दरम्यान में क्या आ रहा है, दरम्यान में पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि आपने इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाना है। यही टेंजेंट का ग्राफ है, आप क्या करो इस ग्राफ को उठा के ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कितना आपको लेके जाना है, पाई यूनिट लेके जाना है। 0 से लेके 2π तक आपने बनाया ना, तो इसको मिटा देते हैं, या एक काम करो, हाँ इसको मिटा देते हैं, हम 0 से लेके 2π तक बनाते हैं ग्राफ को, इसको भी मिटा दो यहाँ पे, अब पता चल सकता है फर्क। थोड़ा गौर से समझना है इसको, जैसे आप कॉस साइन के ग्राफ को 0 से लेकर 2π तक बनाते थे ना, इसको भी आप 0 से लेकर 2π तक बनाओ, ताकि आप शिफ्ट करने के बाद आपको पता तो चले ना कि फर्क पड़ रहा है इसके अंदर, कोई डैश डैश लाइन से आप शो करोगे हाँ भाई फर्क पड़ रहा है इसके अंदर, तो तभी 0 से लेकर 2π तक बनाया। इस ग्राफ को आप जरा गौर से देखो, अब ये सिंपल ग्राफ किसका, टेंजेंट थीटा का। सवाल में आपको क्या बोला हुआ है, थीटा प्लस पाए का निकालो, मतलब दरमियान में पॉजिटिव है, इसका मतलब आपने उठा के लेफ्ट की तरफ लेके जाना है उसको, कितना पाई यूनिट। क्या मतलब कि पहले अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो अब आप इसको खींच के ले आओ पाई यूनिट पीछे, ये वाला पॉइंट होगा -π, इसका मतलब आप इसको पाई डिस्टेंस पीछे लाना है। तो अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये पूरा यहां तक पाई डिस्टेंस है, तो अब आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब जरा देखो इसको मैं दरमियान में बना देता हूँ, तो एज्यूम कर लो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे था ना, ये 0 है और ये -π यहाँ पे, तो अब आपका ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं पहले मार्किंग कर लेता हूँ, ये पाए कर लेते हैं और ये हो जाएगा 2π, तो ये वाली वैल्यू है -π। अब आपका ग्राफ देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, बनेगा ठीक है, एग्जैक्ट ये वाली जो पीक है ना, सॉरी ये बहुत ज्यादा मैंने बना दिया, एग्जैक्ट ये वाली जो पीक है ना, अगर आप इसको गौर से देखो, ये टोटल दोबारा गौर से सुनना ताकि मैं सही तरीके से समझाऊं, 0 से लेके पाए तक जरा ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो, 0 से लेके पाए तक, क्योंकि आपने उठा के इसको पीछे लाना है। ये 0 से आपका स्टार्ट हुआ था, 90 डिग्री पे आपको एक लाइन मिल रही थी ठीक है, फिर पाए से पहले आपको ग्राफ इस तरह मिल रहा था। कहने का मतलब अगर आप 0 से पाए तक बनाओ तो ये ग्राफ था, ये 0 से इस तरह बना, 90 पे लाइन मिली, पाए से लेके इस तरह ग्राफ मिला, इसको जरा गौर से समझो, ये आपका ग्राफ है 0 से लेके पाए तक। आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को अब स्टार्ट करना है -π से, तो एग्जैक्ट ये चीज जो है ना ये आपको पीछे नजर आएगी, ये यहाँ पे पाए था ना, जब इसको पीछे लेकर आओगे तो एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 0 के ऊपर, और जो पहले यहाँ पे था वो कहाँ पे चला जाएगा, -π के ऊपर। कंसिडर कर लो ये वाला डिस्टेंस अगर -π है, तो ये वाला पॉइंट उठ के आ जाएगा यहाँ पे,
और ये वाला पॉइंट जो पीछे ला रहे हो आप ग्राफ को, ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, तो आपको मिलेगा इस तरीके की कोई पिक्चर। दरमियान में आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है, और ये जो पॉइंट मैंने बताया ये उठ के कहां पे आ जाएगा, जीरो पे, और इस तरीके से बनता। मुझे बताओ ये वाली कहानी समझ आई है सबको या नहीं? आ गई। आ गई, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत मुश्किल पॉइंट था मेरे लिए, समझाने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं खुद तो बना दूं, समझाऊं किस तरह ये मसला हो रहा है। ठीक है, तो हमने पहले जीरो से स्टार्ट किया था ना, तो जीरो से लेके पाए तक इस किस्म का ग्राफ बन रहा था। आपने क्या करना है, इस ग्राफ को पाई यूनिट पीछे लाना है, तो एग्जैक्ट जो चीज यहां पे बन रही थी एग्जैक्ट चीज आपने इस तरह बनानी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट अब आएगा माइनस पाए पे, और इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, इस तरह जो मैंने बना दिया। थोड़ा छोटा किया था इसलिए थोड़ा गिच में चुआ हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट पैटर्न वही होगा। उसके बाद आप देख लो पाए के बाद क्या बना हुआ था, पाए के बाद ऐसा ऊपर लेके जा रहे थे आप, तो ऊपर लेके चले जाओ। पर अगेन यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी, ऊपर लेके जाने के बाद एक लाइन थी, लाइन के बाद फिर आप नीचे ला रहे थे, लाइन के बाद नीचे ले आए। अब इसके बाद जो आप ग्राफ बनाओगे ना, डैश बनाना 2 पाए तक। डैश क्यों बनाना, उसकी वजह बताता हूं मैं अभी। इसके बाद आपने ग्राफ डैश डैश बनाना है, डैश बनाने की वजह यह है कि आपने डायग्राम में शो करना है उसको कि यार मैं इसको उठा के ना पीछे लेके गया हूं, तो जो चीज सॉलिड थी ना वो उठा के जब आप पीछे लेके गए तो वो सॉलिड है, लेकिन जो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, भाई देखो ये ग्राफ को जब उठा के यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। पाई यूनिट आप पीछे लाए हो तो इसका मतलब यहाँ से जब पीछे लाओगे तो ग्राफ आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे जगह खाली रह जाएगी। तो वो जगह खाली आप किस तरह दिखाओगे, आप डैश करके बताओगे कि यार पाए से लेकर 2 पाए तक जब आप पीछे लाए तो जगह खाली थी, तो मैंने क्या किया, मैंने डैश से इसको फिल कर दिया, इसलिए मैंने डैश यहाँ पे बनाया। तो अब अगर आप इन दोनों ग्राफ को देखो, आपको ग्राफ से दिखने में पता चल रहा है कि उसको उठा के मैं पीछे लाया हूँ पाई में, सही है? तो ये तो मैंने ड्रॉ करके उनको चेकर जो एग्जामिनर है उसको आपने दिखा दिया। अब असल काम था आपको प्रूफ करना था क्या ये दोनों ग्राफ आपस में बराबर है। आप देखो दोनों ग्राफ बराबर है आपस में, अगर आप जीरो से देखते हो तो सेम, जीरो से अगर आप 2 पाए तक देखो सेम पैटर्न आपको नजर आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं है इनके अंदर, जीरो से उसी तरह जा रहा है, एग्जैक्ट वही सारे पॉइंट हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो है ये अभी भी 90 डिग्री है, ये वाला पॉइंट 270 डिग्री है, एग्जैक्ट आपको पूरा ग्राफ नजर आया है। इसका मतलब टेंजेंट का ग्राफ बनाओ या टेंजेंट थीटा प्लस पाई का ग्राफ बनाओ सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सवाल आपका प्रूव हो जाएगा, बस वही काम करना, पहली वाली फिगर को 1 बोल देना, दूसरी वाली फिगर को 2 बोल देना, और बोलना कि भाई ये दोनों ग्राफ आपस में बराबर है, दैट्स इट, प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इस तरीके से ड्रॉ करोगे। सही है बच्चों? भाई मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैंने कभी ये वाली मैथ नहीं समझाई किसी को भी। मैंने बताया था टॉपिक फर्स्ट या सेकंड ईयर में पहले नहीं था, यूनिवर्सिटी में मैंने समझाया, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ ही समझाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप लेके जा रहे हो, बड़ा मुश्किल टॉपिक है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लग पता गया है मुझे, मुझे लगा नहीं था इतना मुश्किल होगी, लेकिन हर थोड़ी देर बाद पता चलता है अच्छा यार इस तरह नहीं बताता, इस तरह बताता हूँ तब समझ आएगा, उस तरह समझ आएगा। खैर तकरीबन आ ही गया होगा समझ, बाकी देखना इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा यार हमारा ना टॉपिक कंप्लीट है, बाकी सवाल आप ट्राई कर लेना, मुझे नहीं लगता 8 के कोई सवालों में मसला होगा, क्योंकि साइन कॉस के ग्राफ तो मैंने बहुत एग्जाम्पल आपको दी है, टेंजेंट की भी डिस्कस कर ली है, तो कोई मसला नहीं होगा। जहां तक रही बात क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 खुद ट्राई करना, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह सॉल्व करना है, ये एग्जैक्ट पेज नंबर 362, मतलब 12.2 से पहले आ जाओ ना, पेज 362 पे उन्होंने एग्जैक्ट एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है, और उन्होंने सॉल्व किया हुआ है साइन थीटा प्लस 2 के पाए इज इक्वल टू साइन थीटा, ये एग्जैक्ट उन्होंने शो किया हुआ है। तो देख लो किस तरह उन्होंने अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला लगाया यहाँ पे, एग्जैक्ट वो आपने फॉर्मुला अप्लाई करना है, बीच में थोड़ी कंफ्यूजन पैदा की हुई है उन्होंने। चलो मैं एक सवाल करवाता हूँ, कौन सा मुश्किल सवाल इसमें होगा, फॉर एग्जाम्पल कोसैक का कर लेते हैं ना, कोसैक नॉर्मली आता नहीं है, तो 9 का पार्ट नंबर 2, कोसैक थीटा प्लस 2 के पाए इक्वल टू कोसैक थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे करना है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड है कोसैक थीटा प्लस 2 के पाए, कोसैक जब भी आए कन्वर्ट कर लो साइन की फॉर्म में, साइन थीटा प्लस 2 के पाए, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन करना साइन अल्फा प्लस बीटा का, क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, अप्लाई कर देना।
अल्फा यहाँ पे थीटा है और बीटा आपका यहाँ पे 2k पाए है, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अच्छा 2k पाए क्या है, के यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर मतलब के की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, या नेगेटिव भी हो सकती है। ये सिंपल सी बात है, 2 पाई का टेबल चल रहा है। 2 पाई का टेबल क्या होगा, 2 पाई 0 जा 0, 2 पाई 1 जा 2 पाई, 2 पाई 2 जा 4 पाए, ये वही चीज चल रही है। के की जगह 0 पुट करो तो 0 आएगा, 1 पुट करो तो 2 पाई आएगा, 2 पुट करो 4 पाई आएगा, फिर 6 पाई आएगा, फिर 8 पाई आएगा। इसी तरह नेगेटिव में भी जा सकते हो, -2 पाए -4 पाए। तो ये 2k पाए का मतलब ये है, ये सारे एंगल जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे। तो इसका ये 0 डिग्री कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ना, तो ये 2 पाए कहाँ पे होगा, जब एक पूरा रोटेट कर आओगे 2 पाए होगा। ये 4 पाए कहाँ पे होता है, जब दोबारा रोटेट कर आओगे अगेन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 6 पाए क्या होता है, दोबारा रोटेट कर आओ, तो सारे एंगल जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब कॉस 2k पाए क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो सिंपल साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस कॉस थीटा। अच्छा साइन 2k पाए, अगेन वही बात, 2k पाए जो है ना ये एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं सारे एंगल, और एक्स एक्सिस पे साइन की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि साइन होता है वाई वैल्यू, वाई वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होती है। इसका मतलब साइन 2k पाए 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये चीज पूरी 0। पीछे बचेगा 1/sin थीटा जो के बराबर होता है कॉसेक थीटा के, जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। सवाल आपका प्रूव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। तो बहुत बेसिक का सवाल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। बोलो सर, ये आपने जो प्रूफ करा है ये तो हमने 10 के तरीके से प्रूफ कर दिया ना, ग्राफ के जरिए हाँ प्रूफ हाँ नहीं करा इसको। नहीं इनको यार, तुम्हारी आवाज कानों में लग बहुत रही है। नहीं ग्राफ के जरिए से प्रूव नहीं करना था इनको, एक सेकंड, सवाल लिखा हुआ है देखो, फॉर एनी इंटीजर के डिड्यूस दैट, डिड्यूस का मतलब होता है कि आप रिप्रेजेंट करो, प्रूफ करके बताओ। अगर आपको याद हो हमने जब वो फॉर्मूला पढ़ा था ना फंडामेंटल लॉ, तो हमने एक हेडिंग बनाई थी डिडक्शन, कि फंडामेंटल लॉ से आपने बाकी सारे फॉर्मूले निकाले थे अल्फा प्लस बीटा इन सबके, तो कहीं मेंशन नहीं है कि आपने ग्राफ से इसको शो करना है या बाकी चीजें रिप्रेजेंट करनी है, और ग्राफ से आप कर भी नहीं सकते, इन द सेंस कि जनरलाइज बात है। यहाँ पे के आ रहा है, अगर आप ऊपर देखो ना क्वेश्चन नंबर 8 में के वे नहीं होता था, कहीं एग्जैक्ट वैल्यू होती थी 3π/2π/2, तो आप ग्राफ से शो कर देते। 2k पाए एक जनरलाइज बात है कि के की वैल्यू 0 पे आप प्रूव करो या के की वैल्यू 1 पे करो, किस पे करोगे, ग्राफ के जरिए से, तो इसलिए ग्राफ का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात, अगर आप बुक में देखो तो एग्जैक्ट उन्होंने इस सवाल को ऐसे सॉल्व करवाया है, तो भाई हमारे लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी बुक होती है, अगर उन्होंने ग्राफ से शो किया होता तो हम ग्राफ से शो करके दिखाते किसी खास के की वैल्यू पे, तो जो बुक ने किया होता एग्जैक्ट मैंने वो करवा दी है, तो पेपर में आएगा तब भी आप लोग ने ऐसे ही करना। तो बताना मैं चाह रहा हूँ कि आपने साइन के ग्राफ में देख लिया था कि जब आप साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो वो किस तरह रिफ्लेक्ट होता है एक्स एक्सिस पे, इसी तरह आपने कॉस का देख लिया था कि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो किस तरह रिफ्लेक्ट होता है। जो अभी मैं बताना चाह रहा हूँ वो टेंजेंट का बताना चाह रहा हूँ, कि अगर टेंजेंट के ग्राफ को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से होगा, वो बस बताना चाह रहा हूँ। तो जरा बनाते हैं टेंजेंट का ग्राफ, इस तरीके से बनेगा, अगेन आपको एग्जैम्पटोट मिलेगा यहाँ पे, फिर इस तरीके से, अच्छा एक एग्जैम्पटोट यहाँ पे मिलेगा, इसी तरीके से यहाँ पे मिल रहा है, ये ग्राफ है पूरा, ठीक है। अब एज्यूम करो इस ग्राफ को, अगर मैंने मतलब ये मैंने टेंजेंट का ग्राफ बनाया, जबकि मुझे किसका ग्राफ बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है माइनस टेंजेंट का। माइनस में क्या होगा, आपका ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस, जो चीज आपको ऊपर नजर आ रही है एग्जैक्ट वो आपको नीचे नजर आएगी, और जो आपको नीचे नजर आ रही है वो एग्जैक्ट ऊपर चली जाएगी। अब जरा देखना क्या होगा, बल्कि मैं यहीं पे बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, क्या अगर आप ऑब्जर्व करो ये चीज इस तरह जा रही है ऊपर, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट आपने यहाँ पे पिक किया, ये पॉइंट है एग्जैक्ट, ये पॉइंट आपको नीचे नजर आएगा ठीक है से यहाँ पे कहीं। अच्छा इसी तरीके से अगर एक पॉइंट यहाँ पे है एग्जैक्ट, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे की नजर आएगा। इसका वैसे एक तरीका भी होता है, रिफ्लेक्ट करवाने का तरीका क्या होता है कि बिल्कुल अगर किसी ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉइंट मिल रहा है 1,2, तो अगर आपने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो आप क्या करो इसकी वाई वैल्यू को नेगेटिव कर दो, क्योंकि अगर आप देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट में फर्क क्या है, इसकी वाई वैल्यू का, यहाँ पे वाई वैल्यू कितनी है इस पॉइंट की, तकरीबन इतनी है वाई वैल्यू, जबकि इस पॉइंट को एग्जैक्ट आप इधर बनाओ तो इसकी वाई वैल्यू कितनी है, वाई वैल्यू सेम ही है, इसकी पॉजिटिव है इसकी नेगेटिव है, एक्स वैल्यू तो सेम ही है इसकी, तो रिफ्लेक्ट करवाने का मतलब होता है अबाउट एक्स एक्सिस कि आप वाई वैल्यू को नेगेटिव कर दो। तो अगर इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है 1,2, तो ये माइनस वाले ग्राफ के ऊपर क्या पॉइंट होगा, 1,-2,
क्योंकि देखो आप इस फंक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, नेगेटिव का मतलब जो इसकी वाई वैल्यू है इस पूरे फंक्शन का जो आंसर था उसको आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर नॉर्मल टेंजेंट का ग्राफ है उसमें अगर आप वन पुट करते हो और आंसर आपको कंसिडर कर लो टू मिल रहा है, तो ये माइनस टेंजेंट के ग्राफ में क्या होगा? आप वन पुट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस टू मिलेगा। तो ये वैसे प्रॉपर तरीका होता है रिफ्लेक्ट करवाने का, लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा उसकी, तो मैं अंदाजन आप लोगों को रिफ्लेक्ट करके बता रहा हूँ। तो तकरीबन इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा आपको। तो जो चीज आपको ऊपर इस तरह नजर आ रही थी अब वो नीचे इस तरह नजर आएगी, इसी तरह जो चीज आपको इस तरह नजर आ रही थी जब इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे इस तरह चली जाएगी। सेम चीज यहाँ पे भी आप कर लो, एसिम्प्टोट वही रहेंगे अभी भी। सेम चीज जो भी नीचे नजर आ रही है अभी ऊपर चली जाएगी, तो आपको ऊपर नजर आ रहा है पूरा अभी नीचे चला जाएगा। मतलब ये ग्राफ जो है माइनस टेंजेंट का है, जो मैंने ब्लैक से आप लोगों के सामने बनाया हुआ है ना, ये ग्राफ क्या है? माइनस टेंजेंट का ग्राफ है, इस तरीके से बनेगा। तो ये मैं ना आपको अलग से बना के दिखाता हूँ कि माइनस टेंजेंट का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये ऊपर इस तरह जाता है, नीचे इस तरह जाता है, यहाँ पे एसिम्प्टोट मिलता है, यहाँ पे एसिम्प्टोट मिलता है, फिर अगर आप देखो ये ऊपर जाएगा इस तरह जाएगा। तो ये है आपका माइनस टेंजेंट का ग्राफ, ये आपका है वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस। जरा फर्क देख लो, यहाँ पे शेप इस तरह, मतलब इस तरीके से ग्राफ जो है ना ये लेफ्ट से राइट पे इंक्रीज कर रहा होता था यूं करके, जबकि माइनस टेंजेंट का ग्राफ देखो लेफ्ट से राइट पे डिक्रीज कर रहा है आपको ग्राफ, इस तरीके से जा रहा होता है। तो इस तरीके से आप टेंजेंट के ग्राफ को रिफ्लेक्ट करवाओगे अबाउट एक्स एक्सिस।